श्रीकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजिकाली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है मुंबई टू पुणे इंस्टाग्राम कोच ट्रेन जर्नी। हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है, और ये भी जानते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में इंडियन रेलवेज हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है, चाहे वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस हो या फिर एक नया विस्टाडोम कोच। तो बस हो जाइए तैयार, अगर आप मुंबई टू पुणे के बीच ट्रैवल करते हैं, आपकी ट्रेन जर्नी होने जा रही है और भी इंटरेस्टिंग। शुरू करें दोस्त, ऐसे नहीं, आपको स्टाइल तो पता है। कम ऑन, जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए, मेरे साथ ट्रैवल कीजिए फ्रॉम द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई टू द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट पुणे। डेक्कन एक्सप्रेस जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय सेंट्रल रेलवेज, और इसकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स पर आवर। और आपको बता दूं, डेक्कन जिस ट्रेन को नाम मिला है वो नाम मिला है डेक्कन प्लेटू से, जो एक जगह है पुणे में। सो हे गाइस, दिस इज डोलेश हियर एंड वेलकम टू माय चैनल 200 जर्नी। अब ये देख लीजिए, यहाँ पूरी खड़ी है हमारी डेक्कन एक्सप्रेस। टाइम लगेगा लगभग 4 घंटे और डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर्स। और आप जानते हो विस्टाडोम की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑलमोस्ट 4 CR, यस 4 करोड़। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला है चेयर कार जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 350 रुपीज़, और जो हमने बुक किया है एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम उसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 830। मैं जा रहा हूँ बिल्कुल आगे की तरफ, आपको ज़रा लोको ज़रूर दिखाना है। करंटली टाइम हुआ है 6:50 और ट्रेन जाएगी 7 o'clock। ये रिकॉर्ड करके तुरंत मेरे को पीछे भागना पड़ेगा, एक मिनट रुकना दोस्त। बिकॉज हार्डली 5 मिनट बचे हैं तो मैं आगे की तरफ नहीं गया हूँ, मैं वापस अपने कोच पर आ गया हूँ। बिकॉज ये ट्रेन अब डेक्कन एक्सप्रेस कभी भी डिपार्ट हो सकती है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इसके टाइमिंग्स बता दूं। ये CSMT से रन होती है S01007 सुबह 7 बजे, और हम पुणे पहुंच जाएंगे लगभग 11 बजे के आसपास, और वहां से ये चलती है S01008 दोपहर को करीब 3:15 बजे, और आप CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई आ जाएंगे शाम को करीब 7 बजे के आसपास। एंड लेट मी टेल यू, इट रन्स एवरी डे। और अगर आप मानसून में महाराष्ट्र एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, दिस विस्टाडोम कोच इज़ द बेस्ट चॉइस राइट नाउ। और इससे पहले हमारी जर्नी की शुरुआत हो, मुझे आपको बताना है वीगो के बारे में। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा भैया ये है बेस्ट ऐप। ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है बिल्कुल चीपेस्ट फेयर, ताकि आपके ट्रिप हो सके बजट फ्रेंडली। और आपको ये भी बता दूँ, वीगो अब लेकर आया है IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने आज टिकट बुक की है विस्टाडोम, ये की है थ्रू वीगो, मतलब कुछ ही क्लिक्स में टिकट बुक हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे टिकट बुक करने का प्रोसेस, तो मैं आपको बता दूं, वीगो ऐप को ओपन कीजिए, वहाँ पर जाइए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, जो आपका डिपार्चर स्टेशन है, अराइवल स्टेशन है, उसको सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ जर्नी को सेलेक्ट कीजिए, और बस अपनी पसंदीदा जो भी ट्रेन है उसको आप बुक कीजिए। तो भैया किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत ऐप को डाउनलोड कीजिए और ट्रैवल कीजिए विद वीगो। सो ये दोस्तों देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, दिस इज़ 7:00 और हमारी डेक्कन एक्सप्रेस, आई मीन विस्टाडोम कोच राइट नाउ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार। आपको बता दूँ हमारा विस्टाडोम कोच है, ये है E1, तो ये है बिल्कुल लास्ट में। और जैसा मैं आपसे हर बार कहता हूँ, इस वाले व्लॉग में भी आपको मिलेगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट, थोड़ा मुस्कराओ यार, थोड़ा मुस्कराओ, ढेर सारा
इन्फोटेनमेंट। अभी तो जर्नी की शुरुआत हुई है, अभी तो देखते जाइए। अभी तो सिर्फ महज सफर की शुरुआत हुई है और देखिए ये है इंडियन रेलवेज का कमाल। देखिए आप यहाँ देख सकते हो सब पैसेंजर्स आ चुके हैं और यहाँ पर जो पीछे आपको ये व्यू मिलता है विस्टा डोम कोच से, ये देखिए ये जो आपको व्यू मिलता है सब पैसेंजर्स हैं यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो और सब व्यू का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आपको कैसा लगा जरा बताएंगे सब एक साथ? और ये है हमारा पहला स्टॉप दादर। उम्मीद है अब तक आप समझ चुके होंगे मैंने चेंज किया है लेंस। यस, ये बहुत ही वाइड है। तो मैं आपको बता दूं, अब तक मैं यूज़ कर रहा था 1835 mm का निकॉन का लेंस, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 1020 mm। और भाई ये क्या लेंस है, आप देखो पूरा मानो पूरा रेलवे स्टेशन लेंस में आ जाता है। और आपको बता देता हूँ विस्टा डोम कोच के बारे में, इसको बनाया गया है बाय द ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। पैसेंजर्स जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं यार, इस चीज़ का एक अपना ही अलग मज़ा है। और ये इनिशिएटिव जो इंडियन रेलवेज की तरफ से आया है ना, मतलब जो अच्छे अच्छे रूट्स हैं वहाँ पर विस्टा डोम कोच डाले जा रहे हैं, भाई अलग ही है। चलते हैं यार, चलते हैं, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। ये खड़ी है डेक्कन ओडिसी, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लग्जरियस ट्रेन। यार ये बता रही कब चालू होगी, कब मौका मिलेगा। महाराजा एक्सप्रेस प्रेसिडेंट के लिए चालू कर दी है, लेट्स सी। बहुत जल्द यार, बहुत जल्द। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं थाने, बिकॉज सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है तो मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और इंडिया की जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो चली थी बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने, जिसमें 3 लोकोमोटिव्स लगाए गए थे विस्टा डोम कोच। अब आपके लिए एक होमवर्क, जल्दी से मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि इंडियन रेलवेज के कौन कौन से रूट पर विस्टा डोम कोचेज रन किए जा रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं जो मैंने ट्रैवल किया था, अहमदाबाद टू केवड़िया यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है विस्टा डोम का, वो वाला व्लॉग देखिएगा ज़रूर। हाँ बता दूं ये है हमारा अगला स्टॉप, दिस इज कल्याण, स्टेशन कोड है KYN। और आपको विस्टा डोम कोच के बारे में बता दूं जल्दी से, इसकी जो स्पीड ट्रायल की गई है इट कैन रन एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर। पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें तो 44 पैसेंजर्स इस विस्टा डोम कोच में बैठ सकते हैं। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं, इनकेस इफ यू आर इन महाराष्ट्र समवेयर, और अगर आपने अब तक टिकट बुक नहीं की है और इफ़ यू आर कमिंग टू मुंबई, भाई किस बात का आप इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से टिकट बुक कीजिए बिकॉज सिर्फ 44 सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्त, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, इस लेंस के बारे में ज़रा फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। हाँ
तो ये है हमारा अगला स्टेशन नेरल, सिर्फ एक मिनट का स्टॉप है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब यहाँ से जर्नी के अब मज़ा आएगा, अब यहाँ से घाट शुरू होंगे जर्नी का, अब आएगा डबल मज़ा। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, देखिए विस्टाडोम कोच जो है वो है एक टेक्निकल कोच, नॉर्मल कोच नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट प्लीज़ कचरा मत फैलाइए, डस्टबिन यूज़ कीजिए, एंड मेक श्योर जो भी विस्टाडोम कोच के आप टेक्निकल फीचर्स यूज़ कर रहे हैं ध्यान से कीजिए, मतलब सिर्फ गंदगी मत फैलाइए। लेट्स मेक दिस ट्रेन जर्नी क्लीन एंड ग्रीन। और ये है दोस्तों हमारा अगला हॉल्ट कड़जत, पर ये ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, दिस इज़ टेक्निकल हॉल्ट। और हमारे साथ है यहाँ पर टीटी सर, भाई इनका नेचर, थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल बिल्कुल मानिए बहुत सही है। अब यहाँ पर कड़जत पर बिकॉज आगे घाट्स वगैरह हैं, टनल्स है, बैक टू बैक एक मिनट, बिकॉज यहाँ अब लगाया जाएगा बैंकर। भाई यही तो है इंडियन रेलवेज, एक मिनट जब देखो बैंकर तैयार है, एक मिनट ये देखो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंकर अब पूरी तरह से तैयार है, अब इनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा ताकि पूरी ट्रेन को और पुश मिले और पावर मिले, बिकॉज ऑल गेस 10 से 12 कोचेस हैं। तो वी आर ऑल सेट, यहाँ पर बैंकर्स लग चुके हैं, मैं आपको बता दूँ जो ये लोको लगाया गया है दिस इज़ WAG। चलिए आपके लिए एक और होमवर्क, अगर आपको WAG की फुल फॉर्म पता है ज़रा कमेंट करके बताइए, अगर आपको ट्रेन जर्नीज पसंद है, रेल्स पसंद है, इंडियन रेलवे से प्यार है, तो आई एम श्योर आपको जवाब ज़रूर पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। हाउ आई गेस वी आर ऑल सेट, अब आपके लिए नज़ारे ही नज़ारे, अब आपके लिए सुकून, और आपके लिए वर्चुअली पता नहीं जो आप मान लो। डेक्कन एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है लोनावला, जहां की चिक्की फेमस है, आप कितनी सारी जगह घूम सकते हो। अब जितने भी पैसेंजर्स थे मोस्टली, अब ये ट्रेन डेक्कन एक्सप्रेस यहां खाली हो जाएगी। और जो बैंकर्स मैं आपको बता दूं, ये देख लीजिएगा इस साइड जो बैंकर्स लगाए गए थे, अब वो यहां पर निकाल दिए जाएंगे, बिकॉज घाट वगैरह सब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए ख़त्म, अब ये निकाल दिए जाएंगे और फिर यहां से हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी। और अगर आप डेक्कन एक्सप्रेस में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए दो अलग अलग ट्रेन है, डेक्कन एक्सप्रेस अलग है और डेक्कन क्वीन अलग है। और बिकॉज इस डेक्कन एक्सप्रेस में कोई भी पेंट्री कार नहीं है, तो इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन, खाना कैरी कीजिए, पानी की बॉटल कैरी कीजिए, अदरवाइज़ आपको स्टेशन से उठाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यह है हार्डली 2 मिनट 1 मिनट के स्टॉप हैं, तो वो होगी पागलपंती। मैं लेकर आया हूँ थेपला, खाने दो भाई, बैक टू बैक व्लॉगिंग चल रही है। यहाँ का आप वेदर देखिए लोनावला का,
उम्मीद है जो मैंने आपको व्यूज़ दिखाए उसमें आपको मज़ा आया होगा। अब इस विस्टाडोम कोच के फीचर्स की भी बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर पीछे ऑटोमेटिक डोर्स मिलेंगे, यहाँ पर जो ये सीट है रिक्लाइन बहुत अच्छा है एंड दिस इज़ 180 डिग्री। आपको पता ही होगा विस्टाडोम है 180 रिवॉल्व होती है। यहाँ पर टेबल ट्रे का ऑप्शन दिया गया है इनकेस आप कुछ रखना चाहें, कॉफ़ी रख के पीना चाहें। वाटर बॉटल होल्डर दिया गया है और लगेज के लिए बिकॉज यहाँ पर ऊपर नहीं दिया गया है लगेज के लिए विस्टाडोम में आपको बताऊँगा आगे की तरफ जगह दी जाती है। सब कुछ मैं तो ये कहूँगा और बिकॉज 2+2x2 का कॉम्बिनेशन है एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क। रूफ टॉप आपको मिलेगा और आप ये जो ये विंडो स्क्रीन देख रहे हो ये देखिए कितनी वाइड है। यहाँ पर विस्टाडोम में ये पक्का है कि ये पैसा वसूल जर्नी है। आप करीब 850 रुपीज़ स्पेंड करेंगे बट दिस इज़ समथिंग, मतलब एक बार तो कोशिश, मतलब एक बार तो ट्राई करना बनता है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा अगर आप विस्टाडोम कोच इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर। नज़ारे देखिए, माउंटेंस देखिए, टनल्स देखिए, वाटरफॉल्स देखिए और बस लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये है हमारा अगला हॉल्ट तालेगांव। यहाँ पर सिर्फ एक मिनट का स्टॉप है, ऑफिशियल टाइम है 10:09 का बट हम आए हैं 10:05 पर, तो हम चल रहे हैं बिफोर। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 45,000 मैं आपसे कहूँगा। दो प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 3 मेन ट्रेन क्रॉस होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अब अगले दो जो हॉल्ट्स हैं अब वो मैं दोनों स्किप करने वाला हूँ। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी पुणे स्टेशन पर। बट इस डेक्कन एक्सप्रेस का आपको बता दूँ ये जो रैक है ये रैक शेयर करती है विद दादर जो अब शुरू होती है CSMT से, मतलब CSMT मडगांव जनशताब्दी। मैं उसमें ऑलरेडी व्लॉग बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है चैनल पर वाला व्लॉग लाइव है आप देख लीजिएगा। एक्चुअल में क्या ना ट्रेन ज़्यादा रुक नहीं रही, 1 मिनट 2 मिनट, तो आप मानो ये व्लॉग आपको थोड़ा आराम से लग रहा हो बट इतना जल्दी मैं शूट कर रहा हूँ ना कि आपको क्या बताऊँ। अब तालेगांव में यहाँ पर सिग्नल नहीं है तो थोड़ा यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। चलिए सो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद दोस्तों फाइनली हमारी जर्नी होती है यहाँ एंड और अब मैं पहुँच चुका हूँ पुणे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर ये हमारी पहली मुलाकात है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी अगर आप गेस कर सकते हो अब पुणे से मैं कहाँ जाने वाला हूँ। लेट्स सी अगर आप गेस कर सकते हो, आपसे यही कहूँगा विस्टाडोम में एक बार ट्रैवल एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर कीजिए बिटवीन मुंबई एंड पुणे। बाकी और कुछ भी हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। खाते रहिए, पीते रहिए, वर्क फ्रॉम होम करते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। टाटा, मज़ा आ गया। इसको क्या पहले लाइट चेक कर ले, लाइट चेक इन, साउंड चेक इन। जी जनाब ये थी विस्टाडोम कोच, जबरदस्त। इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों का एहसास देख रही है, यानी कि ऐसी भी बनाई है, एक तो स्पीडी, दूसरा मतलब व्यू कितना जबरदस्त दिख रहा है, इतने बड़े बड़े मिरर लगा दिए। अच्छा मुझे लगता है मुंबई से पुणे तक का रास्ता बहुत, पुणे तक का रास्ता मुझे लगता है बहुत लंबा है, बहुत तवील है, है ना? क्योंकि आपने देखा कितने स्टेशन आए, बीच में स्टेशन आए, कितने जंक्शन आए, एक दो दो मिनट के लिए ट्रेन रुक की और कई तो उन्होंने मिस भी किए हैं, कई तो मिस दो तीन मिस कर दिए, उन्होंने मिस भी किए हैं। उसके बाद एक उन्होंने एडवाइस दी कि खाना अपने साथ लाएं, एक मिनट ट्रेन, दो मिनट के लिए बस, हार्ड ज़्यादा देर नहीं रुकना। अच्छा एक चीज़ और है कि हर
अलग अलग नेचर की, अलग अलग तरह की ट्रेन्स हैं, हर ट्रेन की अपनी खूबसूरती है, अपना एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इफादियत अपनी ही अलग है, मतलब ये एक यूनिकनेस है, ये कोच है तो इसकी एक अलग है। अगर हम बात करें कि 40 सिटीज हैं उसके अंदर चल रही हैं, तो 40 की 40 अलग पर्टिकुलर अपनी अपनी एक अलग यूनिकनेस रखती हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये देखे ना, ये मैंने नहीं देखी थी, आपने देखी थी? नहीं। और एक डबल डेकर देखिए, डबल डेकर वो अलग है, वो अलग यूनिक है, नेचर है वो अलग, मतलब डबल स्टोरी है। अच्छा, मिस्टर डॉम ये अलग है, इनके इसका अलग वो है, एक यूनिकनेस है, एक स्पेशलिटी है। देखिए ना कि मतलब एक होता है ना कि एक ही चीज बन रही है बस उसी तरह की, वो मार्केट में नहीं जाए। हां, हर ट्रेन की अलग नेचर है और इनोवेट किया गया है उसे, वही बोरिंग स्टाइल में नहीं, उसी तरीके से नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया गया है, फीचर्स चेंज कर दिए गए हैं और रूट्स चेंज है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ट्रेनें और बहुत सारी ट्रेनें हैं, क्योंकि इस पर ऐसे चैनल भी हैं जो सिर्फ इसी को फोकस करके काम कर रहे हैं, इसी को फोकस करके इसी पे व्लॉग बना रहे हैं, मतलब ट्रेन्स के व्लॉग, सिर्फ ट्रेन के व्लॉग। मुझे तो कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे हमारी यहाँ कोचेस लेकिन इतनी रफली, मतलब इतनी ज्यादा कॉमनली जैसे यूज करते हैं हम कोचेस वगैरह, वैसे ये लोग ट्रेन। अगर यूट्यूब के चैनल्स ही टोटल ट्रेन जर्नी पर हो तो इसका मतलब है हाउ मच ट्रेन, बहुत सारी, इससे सिर्फ इससे आइडिया। अब देखो, इन्होंने रखा हुआ है अपने चैनल का नाम 200 जर्नीज, इन्होंने 200 जर्नीज करने हैं। अब कितने कितने हो चुके हैं, कितने नहीं हुए, क्योंकि 200 जर्नी मतलब इसका मतलब कई हज़ारों ट्रेन्स हैं और अलग अलग नेचर की, अलग अलग मौजियत की, अलग अलग सिटीज़ की, अलग अलग स्टेट्स में। इंडिया का मैंने एक आइडिया लगाया है कि इंडिया गवर्नमेंट्स और इनके जो पॉलिसीज मेकर्स हैं उन्होंने इस पर बहुत फोकस किया, बहुत फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा मेट्रो, और व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया भैया ने, हमारे बहुत बढ़िया बनाया, क्या बहुत ही बढ़िया, बढ़िया मतलब बहुत अच्छा, बढ़िया जबरदस्त, जितनी तारीफ करें कम है, बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही मेहनत लगती है। हम तो 10 मिनट 15 मिनट में बैठ के देख लेते हैं वीडियो, आपको पता है कितनी मेहनत होगी इसमें। वही कह तो रहे हैं कि आपको लग रहा है मैं बहुत स्लो स्लो दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मुझे कवर करना पड़ रहा था क्योंकि ज्यादा देर के लिए ट्रेन रुक नहीं रही और फटाफट उतर के वीडियो बना रहा है, स्टेशन लेना, दूसरी चीज को कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मेहनत है यार, मेहनत है हर, अच्छा मेहनत हर काम में है, लेकिन ये लोग भी, हम तो बैठ के वीडियो देख लेते हैं, ये लोग भी कहीं पूरा पूरा दिन। अच्छा, मैंने इस तरीके के जो व्लॉग्स देखे उसमें मैंने देखा इंसान हब जाता है, बिल्कुल ज्यादातर हमने व्लॉग्स को देखा जब वो एंड इनके अपनी डेस्टिनी पे पहुंचते हैं, फाइनल डेस्टिनी पे, तो वो अजीब हांफते हुए दिख रहे होते हैं, बिल्कुल थके हुए दिख रहे होते हैं, शुरू शुरू में तो एनर्जेटिक होते हैं, आ भाई दोस्तों जबरदस्त, बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे आपको, लास्ट में आता है आपको खुद तरस आ, प्लीज प्लीज घर चले जाओ, बस बहुत हो गया। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, लोगों के व्लॉग्स वीडियोस देखे हैं, आपको कौन सा बड़ा जबरदस्त लगता है, मतलब व्लॉग मुझे नेम्स नहीं सबके याद है, नेम्स मुझे वो बड़ा जबरदस्त लगता है जो बॉडी बिल्डिंग में फ्लाइंग बीट्स, फ्लाइंग बीट्स यार कमाल है, बहुत आला, जो फैमिली को लेके काम कर रहे होते हैं, वीडियोस बना, अभी वो भी ट्रेन्स पर ज्यादातर बनाते हैं, और मुख्तलिफ फैमिली भी, दूसरी चीजों पे भी बनाते हैं, फैमिली व्लॉग्स भी होते हैं, लेकिन यार कमाल के शख्स हैं, कमाल, वो नंबर वन है, वो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर हैं, बिल्कुल क्या कहता हूं, और होने भी चाहिए, होने भी चाहिए, एग्जैक्टली इस तरीके से वो काम करते हैं। अच्छा, उनकी एडिट, क्योंकि एडिट मुझे बड़ी पसंद है, बहुत ज़बरदस्त एडिट करते हैं, और बाकी ये कि और भी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये नहीं है कि वो अच्छे हैं तो दूसरे बुरे हैं, मतलब दूसरे भी अपनी जगह अपनी अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरों का ब्लॉग अच्छा नहीं लगता, वो भी अच्छा होता है अपनी जगह, हम बोर नहीं होते किसी का भी ब्लॉग देख के, मैंने देखा अक्सर ये हुआ है कि हमने कई वीडियोज़ देखी हैं तो बड़ी वीडियोज़ भी होती हैं तो पता नहीं चलता, मतलब इंसान बोर नहीं होता। अच्छा, ये वीडियो भी 90 मिनट्स की थी, अब आप खुद आप मजे से नजारे देखो, यानी यूं समझ लो टीवी एलसीडी के आगे बैठे हो, एलसीडी के आगे, और वो आपके अंदर मजा, मतलब एक रिलैक्सिंग वीडियो चल रही है, नजारे को कमाल है यार, जबरदस्त। तो दोस्तों, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोबारा किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।